हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के हम लोग किस खास वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कोंडरेटको के अर्धशतक के बारे में जो कि उन्होंने कल लगाया था बॉबी पेशेंटिस के खिलाफ। और आज की हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोंडरेटको के 85 के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कोंडरेटको का 85 था वो हुआ था कुल 34 गेंदों में पूरा। और कोंडरेटको के इस 85 में कुल 3 चौके शामिल थे। वही कोंडरेटको ने अपने इस 85 में कुल 2 लंबे लंबे छक्के भी चढ़े थे। और वही बात करें कोंडरेटको के स्ट्राइक रेट की, तो उनकी स्ट्राइक रेट रही थी 147.6 की, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है T20 मैच में। और जब कोई बल्लेबाज ऐसे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है तो उसका बैटिंग देखने में मज़ा बहुत ज़्यादा ही आ जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने कोंडरेटको के 85 के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में कोंडरेटको के पूरे टोटल स्कोर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि कोंडरेटको ने कुछ 60 रन्स बनाए थे वो भी सिर्फ 42 गेंदों में। और ये आपने थंबनेल से ही देख के पहचान लिया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोंडरेटको के उनके इस 60 वाली पारी में कुल 6 बाउंड्री शामिल थी, जिस दौरान कोंडरेटको ने कुल 4 चौके मारे थे। वही कोंडरेटको ने अपने इस 85 में कुल 2 लंबे लंबे छक्के चढ़े थे यानी 85 तक। और वही बात करें स्ट्राइक रेट की, तो उनकी स्ट्राइक रेट थी 142.86 की, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है T20 मैच में। और वही बात करें कि कोंडरेटको आखिरकार आउट कैसे हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि कोंडरेटको पीटर एडवर्ड्स के बॉल पे आउट हो गए थे। वही बात करें कि कोंडरेटको का कैच किसने पकड़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि कोंडरेटको का कैच पकड़ा था ओलमडा एंडरसन ने। तो ये तो बात कर ली हमने कोंडरेटको के टोटल स्कोर के बारे में, साथ ही साथ हमने ये भी बात कर ली कि आखिरकार कोंडरेटको आउट कैसे हुए थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जब कोंडरेटको ने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई थी उसकी वजह से क्या साउथ अफ्रीका अपनी जीत में कामयाब हो पाई या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कोंडरेटको की जे हाफ सेंचुरी कामयाब रही, साउथ अफ्रीका ये मैच जीत चुकी है और वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से, यहाँ तक कि उन्होंने मैच के साथ साथ ये सीरीज भी जीत लिया क्योंकि ये मैच बहुत महत्वपूर्ण था। और इस महत्वपूर्ण मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत लिया मैच और उसके साथ जीत भी ली ये सीरीज, और उसमें कोंडरेटको का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये तो बात कर ली हमने कोंडरेटको के हाफ सेंचुरी के बारे में, और ये भी बात कर ली कि क्या इनका जे कामयाब रहा हाफ सेंचुरी या नहीं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कोंडरेटको ने जो छक्के मारे थे वो आखिरकार कितने कितने मिनट के गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोंडरेटको का पहला सिक्स गया था वो था कुल 84 मीटर का, और वही बात करें दूसरे सिक्स की वो था कुल 82 मीटर का। तो ये तो बात कर ली हमने कोंडरेटको के सिक्सेस के भी बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।